हेलो फ्रेंड्स भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ उतनी अच्छे हेल्थ में हो और परिवार का ख्याल भी रखते हो तो पहला सवाल मेरा आज समर से है कि तुम्हारे फ्लैट में गुनगुन के -गुन के पापा फ्लैट में क्या कनेक्शन है मान लो आज का तुम लोग यहाँ से निकाले जाते और गुनगुन -गुन के फ्लैट गुनगुन के नाम में रहता ना कि तुम्हारी मम्मी के नाम में तब तुम लोग क्या करते वहाँ रहते वहां तो रह रहे थे और अभी तीन लाख बीस लाख जादू से गुनगुन पर हुआ है वैसे फिर से होता जैसा वो तो चेंज नहीं होता वो तो होता तब तुम लोग क्या करते ध्रुव की मम्मी तो जाती जाके तुम लोग वहां से निकाल बाहर करती माँ बेटे को बोलती कि निकलो मेरी बहू का फ्लैट है मतलब मेरा फ्लैट है तो यहाँ पे तो तुमको ये चीज में नहीं बोलना चाहिए गुनगुन के पापा ने इतना भरोसा करके तुम्हारी मम्मी के नाम में फ्लैट किया था कि फ्लैट बचा रहे से कि ध्रुव की मम्मी और पंडित से तो यहाँ पे तो अब उनका उचित है ना कि वो फ्लैट को वापस करें जिसका फ्लैट था तब से तो इतना इतने दिन से बोल रही थी जिसका फ्लैट है उसको दे दूंगी गुनगुन के पापा का नहीं है तो गुनगुन के पापा को दे दूंगी तो अब क्या हुआ अब तो जिसका फ्लैट है वो मुँह खोल के खुद हाँ हाँ मांग रहा है तब क्यों नहीं देते हो और ध्रुव की मम्मी आपको शर्म नहीं आता है आप यहाँ पे बैठे बैठे आप यहाँ पे गुनगुन के पापा को बोल रही हैं कि आपने फ्लैट का नाम किया ही क्यों आपको पहले सोचना चाहिए था पहले कैसे सोचेंगे आपने अंकित को किडनैप किया आपने सोचा कि पंडित के संग मिलके पचास लाख भी दबोचा जाए और फ्लैट भी हासिल कर लिया जाए आपके वजह से आपके वजह से उन्होंने वो फ्लैट समर की मम्मी के नाम में किया ताकि फ्लैट बचा रहे क्योंकि उनके नाम में होता तो आप तो दबाव डाल के बेटे के उसमें डाल के तो आप तो ले लेती फ्लैट अंकित को तो वहाँ जो भी होता होता और फ्लैट पैसा सभी मिल जाता ये चीज़ आपसे बचने के लिए हुआ तो आपको तो ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए पहले अपने ऊपर देखो अपने ऊपर पहले उंगली करो देखो आप कितने पानी में हो आप तो खुद ठीक नहीं हो आप यहाँ पर गुनगुन के पापा को क्या बात सुना रही हो और यहाँ पर गुनगुन के पापा आपको समर राधिका की चिंता करने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पर सोच रहे हो समर राधिका घर बस जाएगा तो ये घर समर ले लेगा और मेरा फ्लैट मुझे उसकी मम्मी दे देगी तो आप वो फ्लैट लेके अपने नाम में ना करोगे गुनगुन के नाम में तो नहीं करोगे अभी मेरे ख्याल से आप अपने नाम में ही करो गुनगुनगाम में मत मतलब मैं पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ और दूसरी बात है यहाँ पे आप इतना मत हड़बड़ाओ कि समर और राधिका दोनों वो हो जाए मिल जाए और यहाँ पे ये फ्लैट इनका हो जाए तभी कुछ आगे बढ़ सकता है बात आगे बढ़ सकती है अपनी सहेली को समझाओ ये क्या सहेली को समझाएंगी ये बस इतना ही बोल सकती है राधिका की मम्मी को कि तुम कोशिश करो कि राधिका समर के साथ रहे ताकि वो फ्लैट मुझे मिल जाए अब राधिका की मम्मी फ्लैट के चक्कर में अपनी बेटी को तो सूली में चढ़ाने वाली नहीं है क्योंकि राधे की मम्मी ने तो पहले कह दिया मैं समर के साथ अपनी बेटी को नहीं रखूंगी और ध्रुव की मम्मी अभी अगर चाहती है अगर चाहेगी भी कि फ्लैट के चक्कर में समर राधिका एक हो जाए और वो फ्लैट उनको मिल जाए गुनगुन वाला तो यहाँ पे तो राधिका की मम्मी और ध्रुव की मम्मी दोनों भिड़ेंगी और हमको देखने में और मज़ा आएगा तो देखते हैं आगे के फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पे तो सबकी अपनी अपनी बुद्धि काम कर रही है और सब अपने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए हैं कोई किसी से कम नहीं है सब एक से बढ़कर एक हैं चाहे बाप बोलो चाहे माँ बोलो तो चलिए आपका ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल में नए अपनी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तब तक के लिए बाय बाय